अस्सलामुअलैकुम मेरे सारे दोस्तों को, मेरे भाइयों को। पहले तो यार माजरत करूँगा, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्टें आ रही थी लोगों की कि वीडियो कोई नई अपलोड नहीं कर रहे, तो कुछ थोड़ा यार बिजी था, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वीडियो वगैरह ना कोई नई अपलोड नहीं की। तो खैर आज जिसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन हो रही थी, जो ज़्यादा लोग इस बारे में पूछ रहे थे, उस बारे में आज थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूँगा। तो वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा सा ये क्लियर कर दूँ कि यार हर बंदे का ना अपना अपना तरीका होता है। जिसने अपने मुर्गबाजी की बात कर रहा हूँ, मुर्गबाजी में लोगों ने अपने अपने तजर्बे से जो सीखा होता है ना, वही चीज़ें आगे लोगों को बताते हैं, नहीं बताते उनका अपना फेल है। लेकिन मैंने जो सीखा है या मुझे जो मेरे नज़दीक जो बेहतर आइडिया होता है, मैं वही आप सबको लोगों को बताता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हाईलाइट नहीं करूँगा, जिसको मैं ये कह रहा हूँ उसको खुद ही पता लग जाएगा। एक दो बंदे ऐसे हैं जो मेरे YouTube चैनल पे आते हैं और वहाँ पे गाली गलौज वगैरह करके अच्छा नहीं समझते, मतलब कि अगर उनके नज़दीक मेरी बताई हुई चीज़ गलत है तो वो अपनी कोई बेहतर राय दे सकते हैं बजाय इसके कि गाली गलौज करें। उस तरह अच्छा नहीं होता कि जो दूसरों का भी फ़ायदा होना है, YouTube वाले उस वीडियो को स्पैम कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो गाली गलौज ना करें कोई भी है, मतलब कि बड़े अच्छे तरीके से मैं लोगों को बताता हूँ। बिगनर्स के लिए जो उस्ताद हैं बहुत अपने आप में, उनके लिए मैं वीडियोस नहीं बनाता। तो इस चीज़ का ख्याल करें कि कोई गाली गलौच ना करे यहाँ पर आकर, उन लोगों को बल्कि अप्रिशिएट करें जो लोग नए हैं इस शौक में। अच्छा खैर बहरहाल आज की जो वीडियो है वो इस बारे में है कि मेरे से ना कई दिनों से मेरे फेसबुक पे, यूट्यूब पे मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे से पूछ रहे थे कि हम मुर्गी अंडों पे बिठाते हैं, कूड़े पे बिठाते हैं, तो ज़्यादातर अंडे बीच में से अक्सर ख़राब हो जाते हैं, तो कोई तरीका बताएं जिससे हमें ये पता लगे कि अंडे जो हैं वो सही हमने मुर्गी के नीचे रखे हैं, अंडे पहले से ख़राब नहीं थे या कुछ नहीं था। या देखो पहले तो एक चीज़ बेसिक है कि अंडे ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, मतलब 15 दिनों के हो जाएँ बहुत हैं, 15-20 दिनों के पुराने अंडे हो जाएँ इतने अंडे ठीक होते हैं, ज़्यादातर के अंदर बहुत गला होता है 15-20 दिनों के अंडों में। अब अगर कोई बंदा 40 दिन पुराने अंडे रखेगा या 30 दिन पुराने रखेगा, उनमें कम चांस होता है कि कम अंडों के अंदर फर्टाइल हों, बुत डले, बुत डल भी जाए तो अंडे अक्सर पड़े पड़े भी ख़राब हो जाते हैं, मौसम भी कुछ ऐसा आ गया। अब सबसे पहला जो तरीका है ना, जो बेसिक तरीका है अंडे को जज करने का, जब मुर्गी कुड़क होगी आप आज बिठाने लगे हैं, कोशिश करें कि रात के टाइम मुर्गी बिठाएं। और जब रात के टाइम अपने मुर्गी बिठानी है, अंडे चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कोई एक पानी वाला बर्तन लें, उसके अंदर जो अंडे आपने मुर्गी के नीचे बिठाने हैं वो पकड़ें, और बिठाने से पहले इस तरह मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये बर्तन है इसमें मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है, ये एक अंडा है, तजर्बे के तौर पर आपको बता रहा हूँ। अगर तो अंडा पानी में डूब जाए पूरा, इसका मतलब है कि वो अंडा ठीक है। अगर अंडा पानी के ऊपर सतह पर तैरने लग जाए वो अंडा होता है ख़राब, उसको आप मुर्गी के नीचे रख कर ज़ाया ना करें, मुर्गी की मेहनत लगनी है, फर्टाइल अंडे बिठाएं, सही अंडे बिठाएं। जिस तरह ये अंडा है, ये ठीक अंडा है, ये देखें, जब मैं इसको पानी में डालूंगा, ये देखें वो पानी के नीचे डूब गया अंडा, इसका मतलब क्या है कि ये अंडा ठीक है, मुर्गी के नीचे बिठाने के काबिल है। अगर ये अंडा तैरता ऊपर पानी के ऐसे, जिस तरह ये ऊपर आ जाता और तैरता और पानी के नीचे ना डूबता, इसका मतलब है कि अंडा ख़राब है, इसको मुर्गी के नीचे बिठाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अंडे अक्सर सही वाले अंडे जो होते हैं उनमें भी कई दफ़ा उनको सही तरह से हीट ना मिलने की वजह से अंडे में से बच्चे नहीं निकलते। अब उसका तरीक़ेकार क्या होता है, 21 दिनों बाद बच्चे निकलते हैं मुर्गियों के, और उसके लिए ये है कि जैसे ही 11 दिन हो जाए मुर्गी बैठी हुई है आपकी, 11 दिनों के बाद अंडे को चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि 11 दिनों के बाद अगर अंडे में बच्चा है या नहीं है, कैसे चेक करते हैं। मुर्गी जब आपने दाने पानी के लिए छोड़ी है, अंडे पड़े हुए हैं, एक एक करके अंडा उठाएं, जिस तरह कि इसी अंडे की मिसाल ले लें, एक ये अंडा उठाएं, अपना मोबाइल पकड़े, सिंपल है, हर बंदे के मोबाइल में आजकल तो टॉर्च वगैरह है, अंडा पकड़े, मोबाइल की अपने टॉर्च जलाएं, ठीक है, उसकी फ्लैश लाइट जलाएं, ठीक है, ये वाली साइड जो अंडे की पीछे वाली या आगे वाली कोई भी साइड है, दोनों तरफ ये फ्लैश लाइट को अंडे के साथ ऐसे लगाएं कि अंडे के अंदर रोशनी जाए, ये देखें, ऐसे लगाना है कि अंडे के अंदर रोशनी जाए। अगर तो अंडा अंदर से काला होगा,
मतलब काला काला होगा या ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ जाएंगे। मोस्टली 11 दिनों का जो अंडा होता है उसके अंदर बच्चा बनना शुरू हो जाता है, अंडा अंदर से काला नज़र आता है, वो अंडा फर्टाइल होता है, उसके अंदर बच्चा बन रहा होता है। अगर आप मोबाइल की रोशनी इसके साथ अंडे के लगाते हैं और रोशनी अंदर जाती है और अंदर जाके रोशनी फैल जाती है, जिस तरह के अंडे में रोशनी गई अंदर से पिंक कलर की आपको रोशनी नज़र आएगी, या अंदर से आपको लगे कि पानी है आर पार हो रही है, पूरे अंडे के अंदर रोशनी फैल रही है, इसका मतलब है कि वो अंडा मुर्गी के नीचे रखना बेकार है, उसमें बच्चा नहीं बनेगा। जो अंडा अंदर से काला हो जाता है, अंदर से पता लग जाता है कि रोशनी पास नहीं हो रही उसमें से, इसका मतलब है कि वो अंडे के अंदर बच्चा बन रहा है, वो मुर्गी के नीचे रहने दें। जो अंडे ख़राब हैं जिनके अंदर रोशनी पास हो रही है, रोशनी फैल रही है, इसका मतलब है कि उस अंडे को मुर्गी के नीचे से निकाल दें, मुर्गी की ज़्यादा मेहनत ना लगे। ये एक बेसिक तरीका है जो कि जिसे आप अंडों में से बच्चे कैसे निकलते हैं, कौन से अंडे रखने चाहिए, अंडे कितने दिनों के बाद चेक करने चाहिए बच्चों के लिए, इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं इस तरह बताता हूँ, जब आपके बच्चे निकल आते हैं, एक एक दिन का बच्चा है, निकल आए हैं बच्चे, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले उनको अगर आप एक दिन दाना पानी खुराक नहीं भी डालेंगे ना, माँ की हीट ही लगवाते रहेंगे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बच्चों को प्रॉपर निकलने दें, मतलब कि जैसे शाम को 6 बजे एक बच्चा निकला, अगले दिन शाम 6 बजे तक मुर्गी का इंतज़ार करें कि मुर्गी कितने बच्चे निकालती है। तो जब बच्चे सारे निकल आए उसके 24 घंटों के अंदर अंदर ही जब बच्चे निकल आते हैं तो उसके अंदर एक एक बच्चे को पकड़े, इसी तरह कोई बर्तन ले लें, उसमें डालें पानी, बच्चा पकड़ें, पानी के अंदर इतना सा गुड़ डाल दें, उसको अच्छी तरह मिला लें, वो गुड़ वाला पानी बन जाएगा। गुड़ वाला पानी आपने मिला लिया, बच्चे को पकड़ें, उसके सर पे हाथ रखें, पानी के अंदर उसकी नोक डुबाएं, वो खुद ही चोंचे 2-3 पानी की लगा लेगा, बार 2 से 3 उसको नोके लगवाएं, वो गुड़ वाला पानी देने का फ़ायदा ये होता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो अंडे के अंदर जो जर्दी होती है ना, वो सारे बच्चे के पेट में होती है, जब वो अंडे से बाहर आता है तो वो सारा गंद बच्चे के पेट में रह जाता है। अब उस गंद से बीमारियां लगती हैं बच्चों को, अक्सर बच्चे बड़े होने से पहले ही मर जाते हैं, उनके पीछे जुड़ जाते हैं, पीठें जुड़ जाती हैं, उसका यही नुकसान होता है कि अंदर का गंद अंदर ही रह जाता है और बच्चा बीमार हो जाता है। गुड़ वाला पानी देने का फ़ायदा ये होता है कि गुड़ वाला पानी देने से अंदर से बच्चे का जो अंदर से जो गंद होता है ना, वो सारा साफ होकर फ़ौरन बीठों के ज़रिए बाहर निकल जाता है। गुड़ वाला पानी देना बहुत ज़रूरी है, तजर्बे के लिहाज से बात कर रहा हूँ। गुड़ वाला पानी पिलाएं बच्चों को, उससे बिल्कुल बेहतर रिजल्ट मिलेगा, बच्चे अच्छी ग्रोथ करेंगे। जब बच्चे हो जाएं हफ्ते के, उनको अंडा पीस कर, अंडा चूरा करके उनको उनकी फीड में 14 नंबर और 4 नंबर फीड मिक्स करके अंदर थोड़ा थोड़ा अंडा डाल के उनको दें, बच्चों की ग्रोथ में बहुत बेहतर जो है ना उनकी ग्रोथ होगी, आपको खुद अंदाज़ा होगा कि कितना ज़्यादा है। गर्मियों के अंदर सर्दियाँ ना दें, सफ़ेदियाँ डाल दें ताकि उनकी ग्रोथ और कमी गुमी कैल्शियम की कमी ये सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाए। अच्छा, ये तकरीबन आज का है, पता नहीं कितना टाइम हो गया वीडियो में, 8 मिनट। अच्छा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो कि बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं उनके लिए। फिर ये आखिर में वीडियो में ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि अगर किसी को मेरे इन तजर्बों से कोई इख्तलाफ है या कोई मेरे जो आजमाए हुए हैं कोई तरीका है उससे कोई इख्तलाफ रखता है, उसका कोई और तरीका कामयाब है या किसी और तरीके से उसको रिज़ल्ट अच्छा मिला है, तो वो हमारे साथ यूट्यूब पे आकर लोगों के साथ शेयर करें, बजाय इसके कि वो यहाँ आकर किसी दूसरे बंदे को क्रिटिसाइज़ करे और गाली गलौज करे, अच्छा नहीं लगता। यहाँ से बंदे के फैमिली बैकग्राउंड का पता लगता है कि बंदा कहाँ से बिलोंग करता है। बेहतर ये है कि अगर आप किसी के पास बेहतर है कमेंट में आकर कोई अच्छा तरीका बता दे, हो सकता है मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए, जो चीज़ मुझे नहीं पता मुझे उसके थ्रू पता लग जाए। तो एक चीज़ आप काइंडली ग्रेव कीजिएगा, गाली गलोच ना करें कमेंट्स में आके, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए होती है, आप लोगों के लिए करता हूँ, मुझे तो इन चीज़ों का पता है, मेरे घर में ये सारी चीज़ें तजर्बे से मैंने सीखी हैं, कोशिश करता हूँ जो मैंने सीखा वो आप तक भी पहुँचे। तो जो अच्छी चीज़ है वो रख लें, मेरी कोई बुरी चीज़ लगती है तो उसको ना सीखें। मैं आपको फ्रेंकली कहता हूँ, कोई बुरी चीज़ अगर मैं सिखा रहा हूँ उसको ना सीखें। बाकी इंशाल्लाह ताला बाकी और भी मेरे पास 2-3 रिक्वेस्टें आई हैं, अब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, 10 मिनट से ऊपर की नहीं बना सकता, तो ये है कि इंशाल्लाह ताला जो बाकी के भाइयों की रिक्वेस्ट है वो पूरी करने के लिए इंशाल्लाह अगली बारी कोई और वीडियो बनाएंगे, अब जल्दी से जल्दी वीडियो बनाया करूँगा ताकि आप लोगों का कोई इतराज़ ना रहे।
जो भी आप लोगों को किसी बारे में किसी टॉपिक पे आपको कोई है गुंजाइश है सीखने की मुझे बताएं, मेरे लायक होगा, मुझे पता होगा तो ज़रूर आपको उस बारे में गाइड कर दूंगा। बाकी बहुत शुक्रिया भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, फिर मुलाकात होगी यूट्यूब पे आपसे।